अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। नाज़रीन, मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्खे जात लाता हूँ और इंशाल्लाह लाता रहूँगा। ये सिलसिला जारी है। हर मर्ज़ के ताल्लुक से मैं रोज़ाना एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर होता हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है विटामिन डी। अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई हो और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना सस्ता और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपके लिए पेश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, वेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नुस्खा आप तक पहुँचे, आप उससे फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, विटामिन डी की कमी अगर किसी के अंदर हो जाती है तो उसके घुटनों से करड़ करड़ की आवाज़ आती है, घुटने आवाज़ करने लगते हैं, घुटने आवाज़ करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। घुटनों में दर्द रहने लगता है, घुटनों में सूजन आ जाता है। तो अगर आपके घुटनों में दर्द रहने लगा है, घुटनों में सूजन है, या घुटनों से जोड़ों से आवाज़ आती है जैसे आप उठ के बैठते हैं तो आपके घुटने कट कट की आवाज़ करते हैं, आप कोई झुक के काम करते हैं या बैठ के उठते हैं तो फिर आवाज़ें आती हैं, तो अगर आपके अंदर ये कमी है विटामिन डी और इसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द है, आपके घुटनों में सूजन है, या फिर आपके घुटने आवाज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा ये तीन चीज़ों पे मुश्तमिल नुस्खा आप ज़रूर आज़माएं। इंशाल्लाह ये सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी और आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। नाज़रीन, तो आइए मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, नुस्खा नोट कर लें, किसी भी पंसार की दुकान पे ये नुस्खा आसानी से मिल जाएगा। लेना क्या है इसमें, सबसे पहले लेना है कमरकस। कमरकस 50 ग्राम, बहमन सुर्ख 50 ग्राम, बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, और इसमें आपको सालब गट्ठा 25 ग्राम लेना है। बस ये चार चीज़ें इसमें लेनी है। उसके बाद आपको इनका अलग अलग बारीक पाउडर सफ़ूफ बना लेना है। इमाम दस्ते की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से आप सफ़ूफ बना लें, और जब इनका पाउडर बनके तैयार हो जाए तो आप इनको आपस में मिक्स कर लें, मिला लें, और फिर आप इसको यूज़ कर लें। इसकी तरकीब इस्तेमाल करने की ये रहेगी कि आप सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम में एक एक चम्मच खाना खाने से एक घंटा पहले लेंगे, ठीक है। दूध हो तो बेहतर है, वरना पानी के साथ भी आप दवाई ले सकते हैं। इंशाल्लाह चंद दिन अगर आपने इस्तेमाल कर लिया नुस्खा तो मैं समझता हूँ कि आपके घुटनों का दर्द, सूजन, घुटने आवाज़ करना बिल्कुल बंद कर देंगे। विटामिन डी की कमी अगर आपके अंदर हो गई है तो इंशाल्लाह इस एक ही नुस्खे से वो सारी कमी दूर हो जाएगी और आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आपको मेरा ये नुस्खा पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने हवाम में,
अपने भाइयों में ज़रूर पहुँचाएँ ताकि किसी का भला हो जाए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह होगी फिर किसी अगले नुस्खे में बहुत जल्द आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।